कॉम्प्लिकेटेड धमनियाँ हैं या धमनी पूरी बंद है जिसको CTO कहते हैं ना, उसको करने में समय लगता है। अगर हार्ट वीक है तो उतना लंबा समय वो पेशेंट विदस्टैंड नहीं कर पाता है, तो उसमें ये इम्पेलर डिवाइस अगर डाल दी जाए जो कि ग्रॉइन से जाती है, कैथेटर तार के माध्यम से होती है, तो वो वेंट्रिकल मतलब पंपिंग चेम्बर से ब्लड को सक करती है और मेन एओर्टा में उसको एग्जिट करा देती है। तो हार्ट की काफ़ी वर्कलोड उस डिवाइस के ऊपर आ जाता है, हार्ट को उतनी पंपिंग नहीं करनी पड़ती और प्रोसीजर आसानी से हो जाते हैं। ये मेरे फादर हैं, मिस्टर अशोक कुमार। हम लोग ना हमीरपुर के निवासी हैं, यूपी हमीरपुर से आते हैं। तो हमारे फादर को ना 20 तारीख की रात में हार्ट अटैक आया था, रात के करीब 12-1 बजे के बीच में। तो वहाँ से और घर जाने के लिए तैयार है। यहाँ सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल मैं फील कर ही रहा हूँ। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और इन्होंने सर्जरी करी अभी हमारे 2 दिन पहले, तो एक स्टंट भी डाला इसमें और बाकी चीज़ें नॉर्मल रहीं। तो इसके बाद इन्हें काफ़ी रिलीफ मिला और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट रहा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई हैं यहाँ के हॉस्पिटल से और सारी चीज़ों से। तो ये चीज़ें आप जनता को पता रहें तो लोग इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।